हेलो दोस्तों, मैं कृष्ण पाल और आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज मेरे पास कुछ डेटा है और इसमें मुझे बीच से कुछ डिजिट्स को मुझे हाइड करना है। सपोज किसी के ये डिटेल्स है, अकाउंट की डिटेल्स है और मुझे ये कंप्लीट अकाउंट नंबर शो नहीं करना है कहीं पर भी शीट में, तो मुझे इस बीच से या फिर लास्ट के स्टार्टिंग के मुझे डिजिट्स, 4 या 5 डिजिट्स मुझे हाइड करने हैं इसमें से। ठीक है, उनकी जगह पे स्टार देखे। तो आइए सीखते हैं किस तरह से हम डिटेल्स को हाइड करेंगे। तो यहाँ पर हमें करना क्या है, इक्वल टू का फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल टू लगाएंगे और इसमें फॉर्मूला लगाना है हमें लेफ्ट का। लेफ्ट से हम लेना है 3 डिजिट ले लेते हैं और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। देन हमें एंड लगाना है और इन्वर्टेड कॉमा में 4 बार लिख देंगे स्टार, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे और एंड लगाएंगे। देन हमें फिर से अब इसमें लिखना है राइट, ब्रैकेट ओपन करेंगे और फिर से हमें वही सेल लेनी है जिस सेल में हमने लेफ्ट का फॉर्मूला लगाया था। फिर से कॉमा लगाएंगे और इसमें भी 3 लिख देंगे। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब इसमें आप देख रहे होंगे मैंने लेफ्ट और राइट का फॉर्मूला लगाया है और एंड का में की का मैंने यूज किया है। 3 चीजों के माध्यम से आपके स्टार्टिंग के सॉरी मिड के जो 4 डिजिट्स हैं उनकी जगह पर स्टार लग करके आ जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम यहाँ से कंप्लीट हो चुका है। इसको जैसे ही हम एंटर करेंगे तो बीच के जो 4 डिजिट्स हैं उनमें आपका अकाउंट नंबर नहीं दिखेगा। अब इसको कॉपी करके लास्ट तक यहाँ तक पेस्ट कर देंगे और आपके अकाउंट नंबर के देख पा रहे हैं आप कि बीच में से 4 डिजिट्स की जगह पर स्टार लग करके आ गया है। इस तरह से आप कोई भी डेटा, कोई भी नंबर्स को हाइड कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू।